प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ईमानदारी से अब से पढ़ेंगे अगर पीछे का खराब हो गया तो, क्योंकि हम दोबारा लौटने वाले हैं पुराने चैप्टर्स पे कुछ दिनों में। सो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन क्या कह रहा है पहले समझो। अच्छा, ड्यूअल नेचर से क्या मतलब है? फिजिक्स में जब भी ड्यूअल नेचर की बातें होती है पूरी फिजिक्स में कभी भी, तो यहां पर दो नेचर से क्या मतलब है? एक होता है पार्टिकल, पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है वेव नेचर। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन मतलब क्या समझो, पहले थोड़ा सा फील लेते हैं फिर हम हिस्ट्री की बात करेंगे थोड़ा सा। वो कह रहा है कि जो मैटर है, मैटर चैप्टर कह रहा है भाई जो मैटर है मैटर, उसके दो नेचर हो सकते हैं। वो तो हमें पता ही है कि भाई मैटर के तो पार्टिकल नेचर तो होता ही है, एक पार्टिकल मैटर ही तो है। मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस, तो पार्टिकल तो मैटर है, ये तो ऑब्वियस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर वो कह रहे हैं कि मैटर के पास वेव नेचर भी है। देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल एंड वेव। अच्छा, तो कह रहे हैं कि भाई इसका वेव नेचर भी होगा। अब ये थोड़ा ना समझ नहीं आता, ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार कोई इंसान, कोई पार्टिकल, कोई सेब वेव कैसे हो सकता है, बड़ा अजीब लगता है सुनने में। तो इसकी बातें हम करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। तो कह रहा है कि मैटर के दो नेचर नेचर होंगे, पार्टिकल एंड वेव, वेव नेचर। फिर वो कह रहा है कि अच्छा रेडिएशन, रेडिएशन मतलब सूरज की लाइट, सनलाइट, लाइट बोल रहा हूं मैं, लाइट। कह रहा है लाइट के भी दो नेचर होंगे, लाइट का वेव नेचर होगा। तो ये तो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे मैटर का पार्टिकल नेचर डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट, हाँ पच गया कि मैटर पार्टिकल नेचर है, हाँ पच गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम मैटर को वेव बोलते थोड़ा लगता है यार क्या बोल रहा है। वो कह रहा है पैन वेव है, पैन के साथ वेव जुड़ा हुआ है, अ वेव इज एसोसिएटेड विद दिस पैन, तो लगता है अरे क्या बात कर रहा है यार, लगता थोड़ा कि ये क्या बात है। तो वैसे यहां पर जब रेडिएशन, लाइट को हम वेव बोलते तो समझ में आता है। अच्छा, पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स, पढ़ा था तो लगता है हाइगंस प्रिंसिपल पढ़ा था। अच्छा ठीक है, पचा लेंगे कि रेडिएशन जो लाइट है वेव नेचर है। जब हम रेडिएशन को पार्टिकल बोलते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं सनलाइट इस पेन की तरह, तब एकदम से लगता है ये क्या बोल रहा है यार। तो चैप्टर का यही मुद्दा है कि बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इस ये जो मुद्दा है ये समझ में तभी आएगा जब चैप्टर को पढ़ लोगे, बिना पढ़े तो भाई कुछ नहीं होना। अब इस चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई थी, बेसिकली एक चीज आया था, एक दौर आया था यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। ये क्या है मैं समझाता हूं। देखो, एक टाइम आया कि जब हर चीज के लिए एक कॉन्सेप्ट बन गया, ये पेन नीचे गिर रहा है तो लोगों ने ग्रेविटी बना दिया। मैं ऐसे एक रफ एग्जांपल लेता हूं, समझ जाएंगे। ये पेन नीचे गिर रहा है तो लोगों ने बोला ग्रेविटी, एक कॉन्सेप्ट बन गया ग्रेविटी के ऊपर। कुछ लोगों ने कहा कि ना दिखाई देने वाली कोई शक्ति है जो इसको खींचती है, जो दिखाई देती, तो उसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट बन गया। फिर किसी ने कुछ और रीजन दिया कि धरती के अंदर से कुछ ऐसी चीजें होती है जो कुछ कुछ चीजों को खींचती है, तो अलग अलग। एक ही चीज को हजार तरीके से एक्सप्लेन किया गया और एक ही चीज को लेके हजार थियोरीज बन गई। तो ये बहुत डिफिकल्ट था कि भाई अब एक ही चीज को दस लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग अपने अपने तरीके से। तो उस टाइम आइंस्टाइन और उनके साथियों को ये अजीब सा लग रहा था, लोग उनको लग रहा था यार ये गड़बड़ है, अगर हम एक ही चीज को लेकर दस दस कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने स्टार्ट किया यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स कि दस चीजों का एक ही आंसर होगा, दस चीजों को एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका होगा। तो उन्होंने स्टार्ट किया यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। तो जब यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स स्टार्ट हुआ तब वो यहां पर आके फंस गए कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना है, यूनिवर्स यूनिवर्स कैसे बना है, किस चीज से मिलकर बना है। तो लोगों ने कहा यार यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, क्योंकि उन्होंने देखा ही दो चीज था। बोला क्या देखा था? मैटर। ये नदी, पहाड़, पत्थर, पेड़, आदमी, औरत, कुत्ता, बिल्ली, गाय मैटर के कंडस में आएंगे, ठीक है ना। और दूसरा उन्होंने देखा सूरज की रोशनी, सनलाइट, आग से निकलने वाली हीट, रेडिएशन, रेडिएशन। तो बोला ये पूरी दुनिया दो चीजों से ही मिलकर बनी हुई है, मैटर एंड रेडिएशन। लेकिन आइंस्टाइन का ये बिलीफ था कि हम इसको यूनिफाई कर सकते हैं, यूनिफाई मतलब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा सिंपल भाषा में कहा कि दुनिया एक चीज से ही बनी है, आपके देखने का नजरिया हो सकता है अलग, पर दुनिया एक चीज से मिलकर बनी है। इस बात को रखने के लिए मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपके हाथ में कॉइन है, सिक्का, सिक्के में हेड भी है टेल भी है, ऐसे देखो तो हेड, पलट के देखो तो टेल। आइंस्टाइन ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि दुनिया एक चीज से ही मिलकर बनी है, पर आप देख किस हिसाब से रहे हो उस हिसाब से आप बताओगे। जैसे वो कहते हैं कि जैसे आप एक मूवी है, हॉलीवुड, पता नहीं कहां की, हॉलीवुड की है, मैंने देखा नहीं है, पर उसमें एक फ्लैश करके कोई मूवी है ना,
है ना, जिसमें वो चलो अपने इंडियन इंडियन सुपर हीरो को लेते हैं, ठीक है, वो प्रियंका चोपड़ा के बॉयफ्रेंड को ले लेते हैं, क्या नाम था उनका, है? है? मैं क्रिस मूवी की बात कर रहा हूं मूर्खो। तो क्रिस मूवी में चुप हो जाओ, अगर ऋतिक रोशन साहब, समझा रहा, देखो ऋतिक रोशन साहब अभी अभी बैठे हुए हैं प्रियंका चोपड़ा के साथ, सिर्फ बैठे हुए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ तो क्या रही है काल, चलो छोड़ो, तो अगर अभी वो बैठे हुए हैं तो हमें लगेगा वो मैटर है, क्या है, आइंस्टाइन साहब की बात को जस्टिफाई कर रहा हूं, तो हमें मैटर लगेगा क्योंकि वो बैठे हुए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्हें दिख गया कि भाई कोई मुसीबत में है, तो जब वो भागेंगे तो एकदम लहरें उठ जाएगी उनकी, वेव की तरह बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, वेव। यानी क्रिस को हम देख किस सिचुएशन में रहे हैं उस हिसाब से हम उसको हम डिसाइड करेंगे कि वो मैटर है कि रेडिएशन है। तो आइंस्टाइन साहब ये उस टाइम सोच रहे थे, सोचो, तो कहते भाई क्या बुद्धि होगी उनकी, ये बात समझ में आती है कि यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, लेकिन वो खड़े होकर क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया, यूनिवर्स एक चीज से, एक ही चीज से बनी है, बस देखने का नजरिया है तुम्हारा, मेरी बात समझे। तो वहां से जब चुप हो जाओ, तो यहां से सबको समझ में आने लगा कि भाई बात में दम है। फिर बाद में डी ब्रोगली साहब, बताऊंगा आपको, डी ब्रोगली साहब ने इक्वेशन दे दिया ये वाला, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, सुना आप लोगों ने, एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। अभी डी ब्रोगली साहब की इक्वेशन को वेरीफाई भी कर चुके हम, आइंस्टाइन बोल रहे हैं वही बात, डी ब्रोगली वही बात बोल रहे हैं, और वेरिफिकेशन भी हो गया है, तो हमें लगा हाँ इन बातों में दम है। तो ये बोलते कि भाई जिसके पास भी मास और वेलोसिटी है उसके आसपास एक वेवलेंथ, उससे वेवलेंथ एसोसिएट हो जाएगा, और वेवलेंथ तो वेव के पास होता है, यानी वैसे ये सब ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। पर मैं अपना एग्जांपल लूं, मेरे लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, हाँ मेरे लिए कब वैलिड होगा, जब मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, मैं क्रिस के लिए वैलिड है, जो क्रिस है ना अपना, उनके लिए वैलिड है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं भागूंगा तो क्या दिखेगा तुम्हें, कुछ कोई वेव दिखेगा मेरे आसपास, नहीं दिखेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात, क्योंकि मैं कितना भाग लूंगा, 30 किलोमीटर पर आवर, वो भी बहुत ज्यादा, इतना नहीं भाग सकते हम एक घंटे में, 30 किलोमीटर नहीं, 5-6 किलोमीटर भाग सकते, 10 किलोमीटर भाग सकते, फिर भी बता रहा हूं सुनो। तो मान लेते मेरे लिए मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इनके अकॉर्डिंग मेरे से एक वेव एसोसिएट हो जाएगा, और वेव एसोसिएट हो गया तो मैं एक रेडिएशन की तरह बन जाऊंगा, यानी मैटर वेव, आई एम द मैटर, नाउ आई एम द वेव, तो मेरा नाम पड़ गया मैटर वेव, मैं मैटर का वेव हूं, समझ पा रहे बात को। तो इट्स वेरी सिंपल कि यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स की वजह से हम यहां तक पहुंच पाए कि डुअल नेचर होता है, तो हमने मैटर को वेव बना। अभी बहुत सारी बातें अभी पढ़नी, तो दैट इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर में डुअल नेचर की हम बातें कर रहे हैं, आपको मैं हल्के हल्के बातें बताऊं, तो ये वेव नेचर के बारे में हम पहले ही बहुत बातें कर चुके हैं वेव ऑप्टिक्स के ऊपर, तो फिलहाल हम रेडिएशन लेंगे और रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में बातें करेंगे। तो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जस्टिफाई होता है, और एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमें नहीं पढ़ना है, वो आप पढ़ोगे जब क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे पढ़ोगे तब। फिलहाल क्या है, रेडिएशन, लाइट जो रेडिएशन है उसका वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में, अब हमें पढ़ना है इसका पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर जस्टिफाई होता है सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट से जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। रुक जाओ, आ जाएगा अभी। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नाम क्या है। देखो ये फोटो का मतलब फोटोन है, और ये इलेक्ट्रिक का मतलब कहीं ना कहीं करंट है या इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं। तो पहले तो हमें फोटोन को समझना पड़ेगा, तब इसके नाम को हम समझ पाएंगे। तो थोड़ा बेसिक मैं पॉइंट उठा रहा हूं। तो एक बड़े महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लैंक्स, क्या नाम था उनका, प्लैंक्स। तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक साहब ना बड़े फेमस हुए बाद में, पहले फेमस नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहुत अजीब सी बात बोली थी। जब इन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात क्या बोली थी कि देखिए ये सन है, सन तो लोगों का मानना था कि सूरज के अंदर से जो लाइट निकल रही है, सूरज के अंदर से जो लाइट निकलती है वो कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस मतलब कोई गैप नहीं, लगातार, आपको भी ये लगता है, अरे इससे जो लाइट निकल रही है लगातार निकल रही है ना, तो लोगों का ये मानना था। लेकिन प्लैंक्स कूद पड़ते हैं और प्लैंक्स कहते नहीं भैया, लाइट ऐसे निकल रहा है, डिस्क्रीट ऐसे निकल रहा है। तो ये ना प्लैंक्स को बहुत गालियां पड़ी, कह रहे क्या बातें कर रहा है यार, ये कोई सोच सकता है उस टाइम पर, घर में बैठे बैठे तुम सोच रहे हो अच्छा ऐसा ऐसा होता है, लोग तुम्हारी बात मान लेंगे। तो वो कहते थे कि भैया देखो लाइट जो भी रेडिएशन है एमिट होता है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में निकलता है, स्मॉल
पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है इसी को उन्होंने बोला फोटोन, प्यार से नाम रखा फोटोन। फोटोन इज बेसिकली लाइट का, लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। और उन्होंने फिर बोला प्लैंक्स ने अपने क्वांटम थ्योरी में, इसी को क्वांटम कहते हैं, क्वांटम स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम भी कहते हैं, फोटोन को आप क्वांटम कहते हो, क्वांटम, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स सुना है वर्ड, वो प्लैंक्स की बहुत बड़ी देन है, इनकी वजह से पूरा मॉडर्न फिजिक्स चलता है, क्वांटम फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल है। तो इन्होंने कहा भैया ये जो एनर्जी का छोटा सा पैकेट है दैट इज, अब देखो कहीं ना कहीं ये पार्टिकल को, पार्टिकल नेचर को बता रहे हल्का हल्का कि देखो एक पार्टिकल निकला, दूसरा पार्टिकल निकला, तीसरा पार्टिकल निकला, चौथा पार्टिकल निकला, ऐसा बता रहे, वो ट्राई कर रहे बताने का। तो फोटोन इन्होंने बताया और बोला कि भैया एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी होगी 1 × h × फ्रीक्वेंसी, और आपके पास अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो n × h × में फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स अपनी क्वांटम थ्योरी देती है, फोटोन के बारे में इंट्रोडक्शन देते। अब जब हम प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को समझ लेते हैं तब हमें समझना होता है क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हल्का सा मैं आइडिया देता हूं आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो समझिएगा, तो फोटो का मतलब यहां पर फोटोन है बेसिकली, इलेक्ट्रिक का मतलब मैं जो समझा रहा हूं आपको इलेक्ट्रॉन है, भले में रहोगे समझोगे तो, और इफेक्ट मतलब इफेक्ट। अब समझना होता क्या है, यहां पर चुना गया मेटल, कुछ मेटल्स चुने गए लाइक सॉफ्ट मेटल्स, सोडियम पोटेशियम सीजियम, ऐसे मेटल्स चुने गए, सोडियम सॉफ्ट होता है, और बोला गया कि यार इन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता ही है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हर किसी के अंदर होता है, और बोला गया हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम फोटोन का इस्तेमाल करेंगे, फोटोन। अब फोटोन के पास एनर्जी होती है फ्रीक्वेंसी की वजह से, इनके पास फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने आपको। तो जब ये एनर्जी लेके अपनी आएगा, और एक रूल है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पर ही गिरता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन पर जाके जब ये गिरेगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अच्छा, तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम फोटोन ले रहे हैं, एक डिसकंटिन्यू चीज ले रहे हैं जो हमें इंडिकेट कर रहा है लाइट का पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर, क्योंकि हम यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अब हम एक एक की बात कर रहे हैं और ये पार्टिकल में ही पॉसिबल है, मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम वेव मानेंगे ना तो ये सब बता नहीं पाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फेलियर बताऊंगा आगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपको कुछ बातें समझनी, कुछ टर्म समझने, फिर आपको लिखने का मौका मिलेगा, पर वेट करो। क्या समझना है कि ध्यान से समझना, जब एक्सपेरिमेंट हम रिपीट कर रहे थे, बार बार रिपीट कर रहे थे, तो हमें क्या मिला कि कभी इलेक्ट्रॉन निकलता है और कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। फिर लोगों ने इसकी डीपली स्टडी करी, बहुत डीपली, तो लोगों को पता लगा, पहले नहीं बोलना है भाई, बन जाओ तुम ही बन जाओ फिर मास्टर, वो पिछली क्लास में आया था ना, पीछे भी यही पढ़ाया, समझ में आया, मैं कोई ऐसी गीत गाऊं सबको सुनाऊं, है सब कुछ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, ये जो फोटोन है बेवकूफ फ्लो तोड़ देते हैं यार, बताओ बेसिक सेंस तो होना चाहिए ना। हाँ, तो कहानी मैं कह रहा हूं कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते तो हमें हर बार इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, इसका मतलब कुछ तो है जो मिसिंग है। तो डीपली स्टडी करके पता लगाया गया कि एक इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में भी कुछ एनर्जी लगती है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ने सरफेस छोड़ दिया अपने आप, नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि मुझे इस पैन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे यहां पर फ्रिक्शन देना पड़ेगा, और फ्रिक्शन देने के बाद हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकालने में। अच्छा, इसके पीछे अगर मैं बहुत डीप थियोरीज बताऊं तो अलग हो जाएगा बहुत। ऐसा कहते हैं कि, चलो मैं हल्का सा बता देता हूं, कैसे कहते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ रहा होता है तो उसी समय पर ना उस एटम पर प्लस आ जाएगा, छोड़ते वक्त ही, तो वो प्लस दोबारा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये सब छोड़ो, ये सब नहीं बातें करते, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। अभी मैं आपके 12th लेवल में बताऊं तो ऐसा कुछ है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप चाहते हो कोई इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़े, मेटल सरफेस को छोड़े, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। सपोज करो कि सरफेस तक छोड़ने में जो एनर्जी लग रही है 10 जूल लग रही है, 10 जूल, और आप जो फोटोन दे रहे हो फोटोन वो 5 जूल का है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? नहीं। अगर हम डिस्टेंस वाइज समझे तो इलेक्ट्रॉन यही रुक जाएगा, यानी कि हर बार हमें
इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं मिल रहा है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो फोटोन आप स्ट्राइक करवा रहे हो, जो फोटोन आप भेज रहे हो, उस फोटोन की एनर्जी सुटेबल नहीं। यानी आपको अगर ये 10 जूल का है तो कम से कम आप इसको 10.1 जूल तो रखो, कम से कम 10.2 जूल तो रखो, कम से कम कुछ नहीं हो रहा आपसे तो 11 जूल तो रखो। यानी आपको इस एनर्जी से ज्यादा ही रखना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सबसे खास बात है ये। अच्छा, ये जो एनर्जी यहां पर खर्च होती है सरफेस तक निकलने में, इस एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन। इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, या इसी का नाम रखते हैं हम थ्रीसोल्ड एनर्जी। आम भाषा में कहते हो थ्रीसोल्ड एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज थ्रीसोल्ड एनर्जी, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम से कम 10 तो होना चाहिए भाई। अगर 10 नहीं होगा तो सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन या थ्रीसोल्ड एनर्जी। यानी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी इंसिडेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आइंस्टाइन साहब ने इसका क्या बताया, समझाता हूं। देखो, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके ऊपर काम कौन कर रहे हैं, आइंस्टाइन साहब काम कर रहे। कौन कर रहे? अब आइंस्टाइन साहब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। पहले याद करो, पहले हमने कहा था कि प्लैंक साहब ने एक बात बोली, लोगों ने उनके ऊपर थूका, बहुत गीले हो गए थे पूरा। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, लोगों ने बहुत बोला कि उनको बोला, भाई प्लैंक भाई कैसी बातें करते हो, बहकी बातें करते हो, ठीक हो तुम, शादी हुई नहीं हुई? कह रहा शादी हो गई तभी तो ठीक नहीं हूं, नहीं समझे मेरी बात। तो वैसे प्लैंक साहब ने पता कितनी शादी करी थी, 7। देखो भाई को पता है, हाँ हाँ 7 शादी करी थी उन्होंने। क्या लॉजिक लगा रहा है यार, मजाक कर रहा हूं, 7 नहीं करी थी, 12, मजाक कर रहा था, दोनों ही मजाक कर रहा हूं। चलो, करी ही नहीं थी, वेरी गुड। अरे शीतल, शिल्पा, मैंने शीतल, अरे रुक जाओ गाइस। तो प्लैंक साहब को बहुत गीला कर दिया गया था। फिर कहानी क्या आई, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें चल रही थी, आइंस्टाइन साहब ने प्लैंक्स की थ्योरी यूज करी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन साहब ने ऐसे दिमाग रखा, आइंस्टाइन साहब ने कहा भैया मान लो आपने 100 जूल की एनर्जी दी होगी फोटोन की, तो 100 में से मान लीजिए 10 यहां यूज हो गई, तो कितना इलेक्ट्रॉन के पास है फिलहाल जो उड़ रहा है उस एनर्जी को लेके बाहर निकला है झटके से, 90 जूल। तो आइंस्टाइन साहब ने ना एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किया। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि 100 जूल इज इक्वल टू 10+90 जूल। और बोला ये जो 90 जूल है ना, ये काइनेटिक एनर्जी होगा, के ही होगा। बोलो क्यों? हवा में है वो, तैर रहा है, उड़ रहा है। तो आइंस्टाइन साहब ने इक्वेशन रखी और बोला देखो फोटोन को हम कितना एनर्जी देंगे, H into F, एक फोटोन है ना, एक फोटोन। तो बोला H into F। फिर बोला ये H into F का यानी 100 का कुछ हिस्सा यहां जाएगा, यहां का हमें पता नहीं क्या है, तो हम बोल देंगे उसको वर्क फंक्शन। क्या बोल देंगे? और यहां का क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यानी वो कहते हैं 100 इज इक्वल टू 10+90, वैसी H into F जो आप दोगे फोटोन का, वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, ये जो वर्क फंक्शन उसको फाई नॉट भी लिखते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो ये दोनों एक ही इक्वेशन है, जहां पर F का मतलब क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन। अरे भैया इसकी एनर्जी 100 है, 100 आई कहां से होगी जब H को F से मल्टीप्लाई करोगे? तो H into F इज इक्वल टू व्हाट, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आती है? तो यही आइंस्टाइन साहब की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेमस इक्वेशन है बहुत। अब आइंस्टाइन साहब ने क्या किया, प्लैंक साहब का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब प्लैंक साहब का नाम इतना फैल गया हर जगह, कॉल आ रहे रिश्ते के लिए, मेरी बात नहीं समझे क्या? अरे तो फिर भी पहले चलता था, पहले सब चल रहा था, कोई दिक्कत। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ एन फोटोन भी बता दिया मैंने, कोई टेंशन नहीं है। एनर्जी ऑफ एन फोटोन बता दिया मैंने, बड़ा कर दिया मैंने, क्या यार इतनी छोटी बात। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दिख रहा है आप लोगों को, सोडियम पोटेशियम, ये डेफिनेशन दिख रहा है, क्या लिखा है पढ़ो, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इजेक्शन का मतलब होता है निकलना, निकलना ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मेरे दोस्तों ध्यान दो प्लीज, एक और पॉइंट है यहां पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस एट एवरी फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होने वाला। बोलो क्यों? एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो एनर्जी भी क्या होगी? लो। तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी हो तो अच्छी बात है, या सूटेबल फ्रीक्वेंसी हो, सूटेबल फ्रीक्वेंसी से ही सूटेबल एनर्जी मिलेगा और सूटेबल एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। आपको लिखना है या घर से लिखोगे? पर दो मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखना, लिख लो फिर। कहानी यह है कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर ये हमारा मेटल है और कहीं इधर से फोटोन है और ये फोटोन आके यहां पे गिरा, तो जो फोटोन यहां पे गिरेगा तो सरफेस से निकलने के लिए कुछ एनर्जी है, जिसको बोल रहे थे हम वर्क फंक्शन। अब रियल में देखा जाए तो ये वर्क फंक्शन आ कहां से रहा है? पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा यहां पर खर्च होता है। तो अगर यहां के एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू एफ, तो ये जो वर्क फंक्शन है इसका भी फॉर्मूला हमने ही बना रखा है एच इंटू एफ, लेकिन फर्क इतना है कि इसको डब्ल्यू नॉट तो यहां पर भी एफ नॉट लगाते हैं। अब ये है आपका थ्रीसोल्ड एनर्जी, याद है आपको? वर्क फंक्शन इज थ्रीसोल्ड एनर्जी, तो इसका नाम होता है थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होता है? थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेसोल्ड भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ये होता है मिनिमम अमाउंट, कम से कम इतना एनर्जी चाहिए, वैसे ही हो जाएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। सिंबल ये भी होता है इसका। तो यह मैंने थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर रखा है कि वर्क फंक्शन इज थ्रीसोल्ड एनर्जी, बात एक ही है, सिंबल ये है, इसी को वर्क फंक्शन कह रहे हैं हम। यहां पर थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अनदर डेफिनेशन इज, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? देखो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये रही, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसे प्लीज आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है भाई, सब सब जा चुका हूं पहले ही मैं, कि वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दिया मैंने, जैसे मिनिमम एनर्जी होती है वैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए चाहिए। देख लो, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्होंने एग्जांपल के लिए 100 यहां है तो 30 यहां है, 70 यहां है, दिख रहा है? दिस 30 इज व्हाट वेस्टेड इन वर्क यहां से यहां निकलने में, तो वर्क फंक्शन नाम है इसका, ठीक है? अरे समझे नहीं आप बात, इसको मैंने ऐसे लिख दिया वेस्टेड इन वर्क, कि यहां से यहां सरफेस से निकलने में वेस्ट हो गया, वेस्टेड इन वर्क, तो इसका नाम पड़ गया है वर्क फंक्शन, सिंबल है फाई नॉट या फिर डब्ल्यू नॉट, और इसको बोलते हैं दिस एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बचा हुआ काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ आइंस्टाइन यूज्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूव्ड व्हाट, एंड प्रूव्ड व्हाट, एच इनटू एफ इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, जहां पर एफ का मतलब है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, फाई नॉट का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। यार लिख लो यार, इतना अभी तो पढ़ाया था, और इसको खोल कैसे लिख सकते हैं? एच एफ, इसको बताते हैं एच एफ नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी, लिख लो इसको, और क्या, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग खुद से लिख लो, अब तो लिखो, इसको लार्ज कर देता हूं, इतना खिचपिच करने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो ना, बात खत्म। सुनो, यहां पर खास बात क्या है, ध्यान देना, कि यहां तक तो आप अपने आप समझ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। अब थोड़ा समझने में तकलीफ होगा आपको, क्या, कि जैसे हम बोलते हैं ना वर्क फंक्शन इज एच इनटू एफ नॉट, और ये होता है आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बट वी नो वन कॉन्सेप्ट कि स्पीड ऑफ लाइट होता है फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ, और यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी को निकाले सी अपॉन में वेवलेंथ,
हम कहते हैं कि भाई इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वेवलेंथ को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। पॉइंट टू बी नोटेड। ये आपस में क्या है बताओ? इनवर्स। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और जिसका नाम क्या पता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बट ये मैक्सिमम होगा। तो यहीं पर फंसाते हैं कई बार। तो आपसे किसी भी क्वेश्चन में कभी न्यूमेरिकल में कह दे कि भैया मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, तो समझ जाना पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और सी से रिलेट करके आंसर आएगा। तो वो ये नहीं बोलेंगे कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो, बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो। तो सोचता है इंसान मैक्सिमम वेवलेंथ कुछ होता ही नहीं है, होता है ना। तो यहां पर वही किया गया है, देखो अब मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकलेगा। ये लैम्डा नॉट को हम बोल रहे हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, दिस लैम्डा नॉट इज मैक्सिमम वेवलेंथ। और ये आया कैसे सोचो, यहां पर देखो, यहां पर हम कैसे क्या कर सकते हैं, एच और एफ नॉट की जगह पर क्या कर सकते हैं बताओ, सी अपॉन में लैम्डा नॉट। तो ये बन गया हमारा, जहां पर ये है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो ये एस सी अपॉन में लैम्डा। एच का मतलब बता दिया मैंने, सी का मतलब बता दिया, है ना। वेरी सिंपल टॉपिक टू बी नोटेड, है ना। तो ये हमारे सिंपल से कॉन्सेप्ट से अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों दिसंबर में मेरा प्लान है PYQ सीरीज लाने का, तो मुझे आपके स्कूल का नाम कमेंट में चाहिए ताकि मैं वहीं से क्वेश्चन उठाऊं, और मैं उठा भी रहा हूं। बहुत सारी वीडियो में आपके स्कूल के क्वेश्चन उठा रहा हूं। जितने ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे स्कूल का नाम, उतने ज्यादा क्वेश्चन होंगे। फटाफट कमेंट करो। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं हम, देखो अब ये बहुत काम की बातें। देखो हमने कहा यार हम ना सोडियम पोटेशियम या सीजियम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, सीजियम जो मर्जी ले लिया। हमने यहां से फोटोन का जुगाड़ किया। अब ये फोटोन कहीं से भी आ सकता है। बेटा आवाज मत करो यार, पीछे बहुत बात कर रहे हो तुम। येलो येलो ओके, ऑरेंज ऑरेंज दोनों, ठीक है। सुनो ये जो फोटोन है कहीं से जुगाड़ कर लो आप, सनलाइट ले लो या आप किसी बल्ब का लाइट ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, व्हाटएवर, कहीं से भी ले लो, फोटोन का जुगाड़ कर लो। और आप ये देखेंगे कि जब फोटोन यहां इंसिडेंट कर रहा है सुइटेबल एनर्जी के साथ, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखाई देगा। तो आपने क्या दिमाग लगाया? आपने दिमाग लगाया कि यहां पर ना बैटरी का मैं प्लस लगा दूंगा। ऐसे पूरी अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना, ट्यूब व्यूब के साथ पूरी अरेंजमेंट होती है। मैं सिंपल बता रहा हूं, बैटरी का हमने प्लस यहां लगा दिया। हमने कहा यार बैटरी का प्लस है, क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, और उसी इलेक्ट्रॉन को वायर में दौड़ा देंगे, वायर में फ्लो करा के करंट पैदा कर देंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव से कलेक्ट करेगा, फिर यहां पर करंट पैदा होगा जिसका नाम होगा फोटो करंट। फोटो करंट समझते हो, फोटोन की वजह से जो करंट है उसका नाम है फोटो करंट। अब मुद्दा यह है कि चलो भाई इधर करंट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी करंट आए। अब लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वोल्टेज लगा रहे हैं इसको बोलते हैं हम कि भाई ये है कलेक्टर नाम है इसका, कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर की ताकत, पोटेंशियल। ये वोल्टेज लगाया हमने, बैटरी का प्लस पार्ट है ये, या इसका एक और नाम होता है अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड पॉजिटिव वोल्टेज, ये प्लस है ना, अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन से हम करंट बना लेंगे। अच्छा तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया, लोगों ने कहा एक काम करते हैं हम ना, जो फोटोन है, जो लाइट आ रही है, जो हमने बल्ब लगा रखा है बल्ब, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इंटेंसिटी से क्या होगा ये समझते हैं। देखिए तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, मैं यहां पर लिया है, मैंने यहां पर देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इंटेंसिटी बढ़ाने का एक येलो बल्ब मैंने लिया है एग्जांपल के तौर पे, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिसाइज। मैंने एक 100 वाट का बल्ब लिया पहले, फिर उसको 1000 वाट कर दिया, फिर उसको 5000 वाट कर दिया, और अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मैं देख रहा था। तो मैं जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने क्या पाया कि जब मैं वॉट बढ़ाता हूं, वॉट यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ेगा, पावर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ता है। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन होना चाहिए, वैसे तो इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इफेक्ट होना चाहिए, चलो छोड़ो ना, तुम समझ गया ना। आप सुनो तो कह रहा है इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिया, रिलीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, फिर सो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, करंट बढ़ेगा। क्या बोला मैंने, करंट बढ़ेगा, ये तो पता ही आप लोगों को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट बढ़ेगा, एंड दैट करंट कॉल्ड फोटो करंट, उसको हम फोटो करंट बोला करेंगे। यानी कि आपने क्या सीखा, सबसे खास बात कि जब आप लाइट का कलर फिक्स रखते हैं, येलो है तो येलो ही रहना चाहिए, और आप बस उसकी इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, पावर चेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट बढ़ेगा। लेकिन यह मत सोचना आप कभी कि आप अगर यहां पर इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, पावर बढ़ा दोगे, एनर्जी बढ़ा दोगे,
अगर लाइट की पावर आप चेंज कर रहे हो, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। क्या मतलब इसका? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती है। क्या मतलब इसका बता रहा हूं, देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अगर 100 वॉट के केस में इसकी स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1000 वॉट में भी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा और 5000 वॉट में भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन को इन सबसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इससे मतलब है। फर्क है दोनों बातों में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, इसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। ऐसा क्यों है? ये आइंस्टाइन साहब पहले बता चुके, उन्होंने कहा था एच इंटू एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। याद है आइंस्टाइन की फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच इंटू एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वो साफ कह रहे हैं जो इसकी स्पीड बदलेगी वो फ्रीक्वेंसी से बदलेगी, लेकिन आपने लाइट का कलर फिक्स रखा हुआ है। आप कह रहे हो येल्लो बल्ब तो येल्लो बल्ब, अब 100 वाट का भी येल्लो बल्ब है, 1000 का भी येल्लो ही है, 5000 वाट का भी क्या है येल्लो। अगर बल्ब का कलर चेंज नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी चेंज होने से कभी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी ओनली चेंजेस व्हेन लाइट ऑफ कलर ऑफ लाइट चेंजेस। क्या हो रहा है ये, इतनी घटिया इंग्लिश, कलर ऑफ लाइट चेंजेस, कलर ऑफ लाइट, लाइट ऑफ कलर, कलर ऑफ लाइट मैंने लिखा यार, मैंने बस दिया है, बोला है कि लिखना ही है, समझ में आ गया। ये वर्ड्स मेरे, इतनी शुद्ध हिंदी मेरी हो सकती है, ये तरीका भी मेरा ही है, मतलब अपने पुराने नोट्स दिए थे कॉपी करने के लिए, समझ आई बात, जो बच्चों को पिछले साल पढ़ाया था वही दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी ओनली चेंजेस व्हेन कलर ऑफ लाइट चेंजेस। लोगों को लगता है, लोग ऐसे कहते हैं कि भाई अगर हम पावर बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? बंदा कहता है भाई उधर से एनर्जी बढ़ाओगे इधर भी बढ़ जाएगा। गलत, ऐसा नहीं होता, समझे? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। नोट करो फिर हम आगे बढ़ते। तो दोस्तों, मुनिल सर फिजिक्स, मुनिल सर केमिस्ट्री, मुनिल सर मैथ्स पे बहुत सारा तगड़ा मैराथन चल रहा है ना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का मैराथन चल रहा है, मैथ्स का मैराथन अभी आएगा, और वहाँ पर हम लाइव पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कराने वाले हैं। तो उन चैनल को एक बार चेक कर लो, छोटे छोटे वीडियो से मज़ा आ जाएगा आपको, कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो मुनिल सर फिजिक्स, मुनिल सर केमिस्ट्री, मुनिल सर मैथ्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो मत, अभी गलत करोगे आप, लिखना मत। अब सुनो, यहां पर कुछ ग्राफ्स है, एक्सिस चेंज कर रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान दो। अब ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है सारे, सुनो। यहां पर आप देखेंगे देखो इंटेंसिटी बढ़ रही, देखो इंटेंसिटी का एक्सिस बढ़ रहा है, हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, पर काइनेटिक एनर्जी वहीं के वहीं खड़ा है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट। यानी काइनेटिक एनर्जी पे इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इंटेंसिटी बढ़ रहा है इस तरफ, पर काइनेटिक एनर्जी ऊपर नहीं उठ रहा है, वहीं का वहीं जमा पड़ा है। इसे बोलते हैं बिल्कुल चेंज ना होना, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और ये याद रखना ये वाली बात कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक बहुत गजब बात, पहले हम स्लाइड से नहीं पढ़ाते थे बहुत टाइम पहले, लेकिन स्लाइड से थोड़ा इजी तो रहता है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ती, मुझे लिखना पड़ता समझाना तो मुझे ऐसी है। अब कहानी समझना, कहानी यह है कि जब लोगों को यह पता लग गया कि यार यहां पे सोडियम पोटेशियम सीजियम सॉफ्ट मेटल्स लेने हैं, फोटोन की सप्लाई करनी है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये सब लोगों को पता लग गया। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के मन में आ गया लालच, क्या आ गया उनके मन में लालच आया कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ना प्लस लगा दूंगा। प्लस लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा और करंट बढ़ने के चांस है। तो लोगों ने प्लस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कहा जो अप्लाइड वोल्टेज उसको मैं बढ़ाऊंगा। तो अप्लाइड वोल्टेज अगर वो बढ़ाते तो देखते कि भाई इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है,
यानी कि अगर वोल्टेज आप अप्लाई करोगे यहाँ पे तो करंट बढ़ेगा। तो लोगों ने लालच दिखाया, लालच। वो स्टोरी मैंने सुबह भी सुनाया था, वो एक स्टोरी नहीं था कि एक अंडे की, सोने की अंडे की मुर्गी, हाँ एक मुर्गी थी जो सोना देती थी, नहीं एक चुप जाओ, एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी, तो उसके मालिक ने कहा डेली डेली क्यों भाई, एक दिन में, वही वाली बात है लालच। तो जब इंसान को पता लगा कि ऐसा कुछ होता है, चुप जाओ, कि प्लस प्लस लगाने से करंट बढ़ता है, तो उस इंसान ने क्या किया पता आपको, उसने यहां पर ट्राई किया कि मैं प्लस प्लस को बढ़ाऊं, यहां के पोटेंशियल को बढ़ाया, पर वो निराश हो गया। बोलो क्यों? करंट बढ़ा ही नहीं रहा था। एक टाइम पर ऐसा हो गया करंट की वैल्यू सेम रही, वो कितनी भी एफर्ट्स लगा ले, कितनी भी मेहनत लगा ले, करंट बढ़ ही रहा। अब रीजन क्या है वो समझना है। रीजन ये होता है कि भैया देखो, हर मटेरियल में फिक्स होता है कि यह मटेरियल 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके पास 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन है जो निकल सकते हैं। अब तुम ये सोचो कि मैं भाई प्लस प्लस बढ़ाऊं, और यहां से पता लगा कि सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुके, जो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल थे वो सारे इन्वॉल्व हो चुके, नहीं समझे, इन्वॉल्व होने का मतलब है कि पार्टिसिपेट कर चुके। अगर मैं कहता हूं कि 20 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी और 20 के 20 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुके हैं करंट में, तो अब कितना भी तुम प्लस बढ़ा लो, अब इलेक्ट्रॉन पैदा हो ही नहीं सकता। अब इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकता तो करंट कहां से बढ़ेगा। तो बहुत सुंदर सा ग्राफ होता है, यहां ग्राफ देखिए, समझाता हूं मैं आपको। ग्राफ ये है कि देखो, जब हमने क्या किया, पॉजिटिव अप्लाइड वोल्टेज या फिर कलेक्टर पोटेंशियल, याद है क्या था, ये कलेक्टर जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करे। तो यहां पर आप देखिएगा, बहुत सुंदर ग्राफ है, बहुत इजी चैप्टर है कहा जाए तो, बस समझना पड़ेगा बहुत। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत इजी नहीं होता है समझना, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। अब यहां ध्यान दो कि यहां से करंट बढ़ा 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 बढ़ा, और एक टाइम आया कि करंट एकदम सीधा हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। अब करंट सैचुरेट हो गया, अब सेट हो गया, बढ़ नहीं सकता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे इन्वॉल्व हो चुके हैं, न्यू इलेक्ट्रॉन सब क्रिएट नहीं हो रहे, समझे मेरी बात को। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें ऐसा पता लग गया कि प्लस को लगाने से ढेर इलेक्ट्रॉन, दे इलेक्ट्रॉन तुम बढ़ाते रहोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो सैचुरेशन बोलते, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, करंट आपका सैचुरेट हो गया है, सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब हमने एक दूसरा दिमाग लगाया, हमने एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा और दिमाग क्या लगाया, हमने ये कह दिया कि भैया बात ऐसा है कि हम यहां पर लगाएंगे नेगेटिव। अब क्या होगा फिर, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और तुम नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हो, बैटरी का नेगेटिव साइड लगा रहे हो, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि धीरे 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 इलेक्ट्रॉन और इसकी, मान लो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एकदम रुक जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा नहीं कि लगाते ही रुक जाएगा, धीरे धीरे, जैसे बहुत तेजी से कोई आ रहा है, बहुत तेजी से कोई आ रहा है, झटके में रुक दोगे तुम्हें, बहुत तेजी से आ रहा है, इसके नेगेटिव की वजह से एक टाइम आएगा कि वो ऐसे वो रुक गया। अगर समझना, अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी था तो इसके काइनेटिक एनर्जी को किसी ने खत्म किया है, तो किसने खत्म किया है, बैटरी की एनर्जी ने, बैटरी के। अब बैटरी की एनर्जी कैसे निकालते, याद करो, आपने पढ़ा है पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क का मतलब ही एनर्जी होगा, तो एनर्जी किसके बराबर हो गया बताओ, वी इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू क्यू। अब यहां पर जो क्यू है वो ई के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इसी को बोल रहे हैं हम एनर्जी। और एक और बात ध्यान रखना आप, ये जो पोटेंशियल है इसकी वजह से करंट जीरो हो रहा है, इसलिए इसको वी नॉट बोलते हैं, वी नॉट, इसका नाम होता है कट ऑफ वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत है, फेमस ये है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जो करंट ही रोक दे, ऐसा पोटेंशियल जिसपे करंट जीरो हो जाए, ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को आगे न जाने दे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर सेमीकंडक्टर में इसी का नाम होता है कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज क्या है आपको बताऊंगा बाद में, कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा यूज नहीं होता पर कर लेते हैं बहुत सारे लोग, कट ऑफ वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इतनी एनर्जी, मतलब इधर से काइनेटिक एनर्जी है तो उधर से कितनी एनर्जी है बताओ, ईवी नॉट, कितनी एनर्जी है, और ये दोनों बराबर होंगे तभी रुक जाएगा ये। अरे सोचो ना, सामने वाले को रोकने के लिए इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, तो ईवी नॉट। तो हमने क्या बोला, आप देखो ग्राफ में बहुत सुंदर बताया गया है कि एक तरफ है करंट और एक तरफ क्या है अप्लाइड वोल्टेज, इसकी बात खत्म। अब हम पीछे आ गए, पीछे मतलब नेगेटिव, हम कहां पर आ गए बताओ, अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वोल्टेज की, किसकी बात कर रहे हैं, वी नॉट की बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। देखो तो यहां पर करंट था और इसके पीछे क्या है, नेगेटिव, इसके पीछे क्या है, तो जब आप नेगेटिव वोल्टेज लगाते हो ना तो धीरे 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 इसकी करंट आ जाएगी और यहां पर आके क्या हो जाएगा, जीरो। और जिस वोल्टेज पे करंट जीरो होगा उसका नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसी जगह है जहां पर करंट आपका जीरो हो जाता है। और अभी मैंने आपको बता दिया काइनेटिक एनर्जी इज ईवी नॉट एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द काइनेटिक एनर्जी, बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है, ठीक है ना, ज्यादा करेक्ट ये लग रहा है, ये तो रफ भाषा में लिखा हुआ है, तो वैसे भी वो भी ठीक ही था, कौन से तुमसे कोई पूछ रहा है। तो ये हमारी पूरी कहानी थी, इस ग्राफ को ड्रॉ करो, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और समझना बहुत इंपॉर्टेंट इस ग्राफ को कि चल क्या रहा है, कि करंट अप्लाइड वोल्टेज से कैसे अफेक्ट होता है और करंट नेगेटिव से कैसे अफेक्ट होता है, इसे नोट कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ग्राफ। हाँ बोलो, कल नहीं,
अगर आपको याद हो प्लीज, पिछली बार हमने अपने लेक्चर को स्टॉपिंग पोटेंशियल तक छोड़ा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे, वी नॉट की। नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लेते हैं, आएगा नहीं कभी एग्जाम में। तो मैंने कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा, मैंने कहा था इट इज अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो करेंट। हम कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाए कि करंट हमारा क्या हो जाए, जीरो, उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब इसे नोट कीजिए, फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज ध्यान देंगे सारे बच्चे, आई रिक्वेस्ट, ये समझने वाली बात है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में अभी हम देखने जा रहे हैं ग्राफ्स, जिससे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं मैं, ध्यान रखना। इंटेंसिटी, जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी और करंट दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। पढ़ा आप लोगों ने कि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट बढ़ेगा। लेकिन एक और बात आपको याद रखनी है, जब आप आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन देखते हो, एच इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच एफ नॉट ईवी नॉट, भूल गए, काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, ईवी नॉट, जहां वी नॉट का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब दोस्तों ध्यान रखना छोटी सी बात, अगर किसी में आप रिलेट करो तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का रिलेशन है। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम। यानी कि फ्रीक्वेंसी के बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा। अगर मैं कहता हूं कि इंटेंसिटी बदल गई तो करंट बदल गया, इंटेंसिटी सेम है तो करंट क्या है, सेम। अभी तो ग्राफ हमने ऐसा सीखा था, याद है आपको, इधर पॉजिटिव वोल्टेज रखा था हमने, इस तरफ रखा था हमने नेगेटिव वोल्टेज। तो इस बार हमने एक ग्राफ बनाया है, ये फोटो करंट है, इस तरफ है पोटेंशियल। पर ग्राफ में हमने कहा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तीन एक्सपेरिमेंट, हम तीन बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी सेम। अगर इंटेंसिटी सेम है तीनों एक्सपेरिमेंट में तो करंट क्या होगा, सेम। फॉर ऑल द थ्री एक्सपेरिमेंट्स करंट की वैल्यू सेम है। देखो I1, I2, I3 ये सारे सेम है, इक्वल है। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, क्योंकि सब एक ही लाइन पर आके सैचुरेट हो रहे, दिख रहा आपको। तो यहां पर इनका फाइनली करंट क्या रहेगा, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात मुझे समझ में आती है। यानी तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा जो करंट है वो सेम है, लेकिन वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी इट्स डिफरेंट। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो आपका वी नॉट भी क्या होगा, बदलेगा। इसीलिए तीनों एक्सपेरिमेंट में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले का यहां आके गिरा है, दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां है और तीसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द ग्राफ फॉर व्हाट, इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। तो इंटेंसिटी सेम मतलब करंट सेम और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मतलब, क्या बात समझ में आई, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसे नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलो अगला ग्राफ मैं आपको यहीं सिखाता हूं, कंपैरिजन हो जाएगा, कंपैरिजन। लिखा हुआ है इंटेंसिटी डिफरेंट। अगर आपका इंटेंसिटी डिफरेंट है तो इंटेंसिटी डिफरेंट होने से क्या होगा बेटा, दिवेश क्या हुआ, किसने बुलाया, सबने, तुमने उसको ऐसा क्या दिखा यार, क्लास डिस्टर्ब होता है, क्या हरकतें करते रहते, पूरा झुक जा रहे हो, इन्हीं की छुपके से ऐसे कर लू पूरा बेवकूफ। ध्यान दो, इंटेंसिटी डिफरेंट होने से करंट डिफरेंट होगा, चुप जाओ। अगर कहीं पर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो करंट आपका अलग अलग होगा। तो लिखा देखो, करंट I1, I2, I3 तीनों अलग है, उसने बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेम, और यू नो कि फ्रीक्वेंसी और वी नॉट आपस में डिपेंडेंट है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वी नॉट भी सेम होगा। इसीलिए ग्राफ के लिए तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या दिखाई देगा कि इनकी वी नॉट वैल्यू क्या है, सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज द रीजन, पर रीजन बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है और इंटेंसिटी डिफरेंट की वजह से करंट क्या हो गया। तो दीज आर द अमेजिंग ग्राफ्स, यहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आया। सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी है, थर्ड वाले की, थर्ड वाले की स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते भाई, यार क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हाँ हंसी मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिख रहा होगा, डेट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है ऐसा, और यहां पर हर चीज का एक मतलब है। ये जो वाई इंटरसेप्ट है, जो वाई एक्सिस होता है ना, ये वाई वो होता है वर्क फंक्शन बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है,
दो लाइन खींच देंगे ऐसे ऐसे, दो लाइन खींच देंगे, बोलेंगे बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। सिंपल सी बात है, दिस 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 इज रिप्रेजेंटिंग वर्क फंक्शन। तो समझ गया ना बात, जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी वर्क फंक्शन क्या होगी। चलो ये तो हम क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे, अभी फिलहाल क्या नेगेटिव में जो बड़ा है वो छोटा है, सोचना है इसको थोड़ा थोड़ा ठीक से सोचना, नहीं थोड़ा ठीक से सोचना अपने आप समझ जाओगे मेरी बात है, समझे। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात चलेगी। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, अभी अपने टॉपिक से हटना नहीं है, रुक जाओ। टॉपिक ये है, ये जो है इंटरसेप्ट आपके वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। चुप हो जाएंगे प्लीज। और यहां पर जो इसका स्लोप है, स्लोप जो टेन ऑफ थीटा होगा, जिसको बोल रहे हैं हम स्लोप, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा प्लैंक्स कांस्टेंट बाय ई। तो स्लोप जो होता है टेन थीटा बेसिकली, वो होता है मैंने लिख दिया देखो, टेन थीटा बाय टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाय ई, प्लैंक कांस्टेंट बाय ई स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे फायदा क्या है, ये ग्राफ पढ़ने से फायदा क्या है, देखो इस ग्राफ को बना सकते हैं हम इजिली और इस एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब जब ये एंगल हमारा मेजरमेंट हो जाएगा तो हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल मेजरमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वंस आपने एंगल का मेजरमेंट कर लिया, ई को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगी एच की वैल्यू, क्या मिलेगी, और इससे आप एच की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे प्लैंक साहब ने एच की वैल्यू कितनी दी थी बताओ, 6.626 10 की पावर माइनस 34, 6.626 10 की पावर माइनस 34। तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बना के ये एंगल नाप लोगे, और जो भी एंगल की वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ई से। अगर जो एच की वैल्यू आई है इससे मैच कर जाए तो हम बोलेंगे वाह भाई प्लैंक भाई क्या बात है, तो वी कैन डू वेरिफिकेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, और वेरिफिकेशन से वैल्यू सेम ही आती है, ये गजब की बात है। तो बाय दिस वी कैन डिटरमाइन द प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां से हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, टेन थीटा को ई से मल्टीप्लाई करके। सो दिस ग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग और इंपॉर्टेंट ग्राफ। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, इसके ग्राफ के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हो मैं कराऊंगा आपको, पहले आप ये नोट करो, ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है, नोट करो। इस ग्राफ में हर चीज का मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ये आपका वर्क फंक्शन बाय ई है, और जो थीटा है वो एच बाय ई को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, प्लीज इसे नोट करो। क्या इस ग्राफ का प्रूफ दूं मैं तुम्हें, कैसे बनाए, नीड है किसी को, नीड है तो करवा देते हैं। देखो सुनो, तो एक नियम होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर मैं आपको समझा दूं कि व्हाट डू वी मीन बाय वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका नाम होता है स्लोप, और ये होता है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मैं समझा रहा हूं। देखो हमारे पास एक इक्वेशन थी, याद है आपको, ऐसी इक्वेशन थी ना, एच इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, याद है आपको, प्लस ईवी नॉट, काइनेटिक एनर्जी अब चेंज हो गया ईवी नॉट। अब मुझे करना क्या है, मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, तो मुझे ना वी नॉट को वाई पे रखना है। देखो ना आप समझो, हमारा ग्राफ ऐसा है कुछ, यहां वी नॉट है और यहां पर क्या है बताओ, यहां पर है फ्रीक्वेंसी, तो मुझे ना वाई की तरफ लेके आना है वी नॉट को, तो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, आई एम जस्ट शिफ्टिंग, तो ये इधर चला जाएगा ईवी नॉट, ठीक है। तो ईवी नॉट हमारा पता क्या होगा, एच एफ माइनस फाई नॉट, एच एफ माइनस फाई नॉट, ये हमारा ईवी नॉट। पर हमें क्या करना है, हमें वाई एक्सिस पे मतलब यहां पे वी नॉट को लेके आना है वाई एक्सिस पे, तो ई को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, एच बाई ई इंटू में फ्रीक्वेंसी फाई नॉट बाई ई। अब हमारा ऐसा ही बन गया जैसा ये इक्वेशन है, देखो कैसे y की जगह पर आ गया v नॉट, एक मिनट ध्यान दो, y की जगह पर क्या आ गया v नॉट, तो ये मेरा y बन चुका है, ये मेरा x बन चुका है, फ्रीक्वेंसी क्या बन गया x, तो ये मेरा c है, और ये मेरा क्या है स्लोप, जो m का मतलब क्या होता है स्लोप। तो अब मैं प्लॉट करूंगा, प्लॉट कैसे करूंगा, देखो इस ग्राफ में मैं यहां ग्राफ बना रहा हूं, देखो मैं बोलूंगा देखो भैया यहां वी नॉट है, यहां फ्रीक्वेंसी है, और
हमारा जो वाई है देखो ये सी, सी नेगेटिव है, तो मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा नीचे से। अब ग्राफ में क्या क्या बातें हो गई है, ये जो है ये ले लेगा फाई नॉट बाई ई, तो हमने वी नॉट का यूज कर लिया, फ्रीक्वेंसी का यूज कर लिया, फाई नॉट बाई ई का भी यूज कर लिया, बच जाता है सिर्फ एच बाई ई। तो हम कहेंगे ये जो स्लोप है, ये जो टेन ऑफ थीटा है, यही हमारा एच बाई ई है। पर मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आप लोग ना करो, ये सब मैथमेटिक्स का काम है, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। एनसीईआरटी भी नहीं कहता कि ऐसे ऐसे करो, एनसीईआरटी कहता है दिस इज द ग्राफ, आपको ये मेमोराइज करना है। हाँ, किसी में ऐसा है कि नहीं भाई मेरे को पूरा प्रूफ जानना है, रीजन जानना है कैसे ग्राफ बन रहा है, तो मैंने बता दिया कि आपको मैथमेटिक्स की ज्ञान होनी चाहिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसके फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है। इतने पंगे क्यों पालना है, इतने पंगे नहीं पालना है, बस अब इसे याद कर लो, बात खत्म हो गया। सो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुनो प्यारे बच्चों, दिस इज व्हाट फेलियर ऑफ वेव मॉडल ऑफ लाइट। क्या मतलब है, लाइट का हम अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर मानते हैं। क्यों भाई, वेव नेचर अगर मानेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम लाइट का पार्टिकल नेचर मानते हैं, कि एक फोटोन है, फोटोन गया इलेक्ट्रॉन से टकराया। अगर हम वेव मान ले, लहरें मान ले, तो क्या दिक्कत है। तो जब हम वेव मानते हैं ना, तो देखो क्या क्या बातें सामने आती है कि वेव नेचर क्यों फेल हो रहा है, समझो। तो अकॉर्डिंग टू वेव मॉडल, जो वेव मॉडल बन के तैयार है वो कहता है, अकॉर्डिंग टू वेव मॉडल ऑफ लाइट इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज्ड, है ना, या मस्ट बी इंक्रीज्ड होना चाहिए, ठीक है। कि अगर आप सोचो, वेव मॉडल कहता है देखो भैया अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, पर रियलिटी में ऐसा देखा गया कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ना तो सिर्फ करंट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी, सोचो अगर आप वेव मानते हो तो अगर वेव की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़नी चाहिए ना लॉजिकली। तो वेव मॉडल कहता है अकॉर्डिंग टू वेव मॉडल ऑफ लाइट इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज्ड, बट एक्सपेरिमेंटली काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर इंटेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर वेव थ्योरी कहता है व्हाटएवर विल बी द फ्रीक्वेंसी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। वेव थ्योरी कहता है देखो भैया फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, एनर्जी है, वेव मतलब एनर्जी है, एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वेव थ्योरी कहता है कि लाइट एक वेव है, वेव आएगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर ऐसा नहीं होता। बट इन एक्चुअली इट डज नॉट हैपन ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप कह रहे हो कि बस वेव है, आएगी, इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा, हमेशा निकलता थोड़ी है, हमेशा नहीं निकलता। तो वेव थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा, पर जो हमने जो थ्योरी पढ़ी है पीछे वो कहता है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वेव मॉडल क्यों फेल हो रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर मस्ट बी टाइम लैग। किस चीज का टाइम लैग बता रहा हूं, देखो यहां पर जो टाइम लैग है किसको इंडिकेट कर रहा है, कि मान लीजिए ये आपका सोडियम या पोटेशियम या सीजियम का मेटल है और ये आपका फोटोन है, फोटोन आके गिरा इलेक्ट्रॉन पे। वेव थ्योरी कहता है, वेव थ्योरी फोटोन की बात नहीं कर रहा, वेव थ्योरी कहता है जब लाइट गिरेगी, जब ये लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, यहां पर टाइम का लैग होगा। क्यों, क्योंकि पहले लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, एनर्जी सरफेस पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा कौन कह रहा है बताओ, वेव थ्योरी। लेकिन रियलिटी में पता क्या होता है, रियलिटी में ऐसा होता है कि फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकला, तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है, तुरंत। वेव थ्योरी कहता है टाइम लैग है, टाइम, लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में नो टाइम लैग। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर मस्ट बी टाइम लैग इन व्हाट, इन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट देयर इज नो टाइम लैग इन एक्चुअली में ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। थोड़ी इंग्लिश सुधार लेना इसकी, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना टाइम लैग किसका। देयर मस्ट बी टाइम लैग
टाइम लैग इन वाइल इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, वाइल नहीं इन इन इजेक्शन लिख देते हैं, ठीक है, बट देयर इज नो टाइम लैग, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो वेव थ्योरी इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वेव थ्योरी कह रही भैया कि इंटेंसिटी बढ़ाओ एनर्जी बढ़ेगा, रियल में होता ही नहीं ऐसा। तो वेव थ्योरी आपकी यहां फेल होती है, इसलिए हम कहते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगता है। सो इसे नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फिर आगे बढ़ेंगे। डन एवरीवन, होगो लॉज अभी कराऊंगा ना, मैंने लिख दिया रफ आइडिया आप लोगों के लिए। हाँ जी, हाँ होता है, फोटोन पे जो चार्ज होता है, फोटोन पे, फोटोन के बारे में पता है आपको क्या है वो? प्रोटोन बोल रहे हो, प्रोटोन, फोटोन के बारे में ना अभी वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है किसी फील्ड में, तो फोटोन के चार्ज के बारे में कहते हैं कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अनस्टेबल करेगा, उससे हमें क्या मतलब है, कर दे अनस्टेबल, हमें उससे क्या मतलब है, हमें करंट से मतलब है, बात खत्म। फोटोन को, फोटोन के चार्ज के बारे में पता नहीं है कि लोग कहते हैं चार्जलेस है। अरे ध्यान दो प्लीज, अभी अपने पास टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई साहब नियम, किसके नियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम। तो पहला नियम बता दूं मैं आपको कि करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहला नियम है, समझ में आ गया। दूसरा नियम है करंट, देखो मैंने यहां पर शॉर्टकट में आपके सारे नियम लिख दिए हैं, अगर तुम बुद्धिमान हुए तो इसको बड़ा करके खुद ही लिख सकते हो, मैंने कहा टाइम है तो लिख देता हूं। देखो पहला नियम है, आप इसको खुद लिख लेना, होमवर्क टाइप में दे दूंगा मैं। देखो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, ये लिखा है इंडिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तो पता है हमें। फिर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट अकर, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ये हम पहली बात कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन लिख देना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख के इसकी डेफिनेशन लिख देना कि इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। फिर ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, व्हेन लाइट इंसिडेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब ऐसे लिखेंगे हम इसमें कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो फोर्थ में लिख देता हूं, फोर्थ वाला थोड़ा नया लग रहा है ना आपको, कहां गया, फोर्थ में लिखता हूं, फोर्थ हमारा ये है,
देखो बाकी तो तीन आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में लिख देता हूं नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई टाइम का गैप नहीं है, फोर्थ नियम। तो ये मैंने आपको चार लॉज बनाए हैं, इंपॉर्टेंट तीन है स्टार्टिंग के, कि करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फोर कहां गया, ये रहा, ये लिख लीजिए फटाफट अपने वर्ड्स में लिख लो यार, इतना तो बुद्धिमान बनो कि आपको वर्ड्स बनाने आता हो। ये शॉर्टकट में लिखा है लॉज, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फटाफट लिख लो फिर आगे बढ़ते, अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करो फिर आगे बढ़ते। क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। इसमें हम लाइट को फोटोन के हिसाब से मानते हैं, पता है आपको कि सूरज से निकलने वाली जो लाइट है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होगा जिसका नाम है फोटोन। तो हम पढ़ चुके हैं फोटोन इज स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जिसमें एनर्जी एच इंटू एफ या फिर क्या होता है एससी अपॉन में लैम्डा। बात कर चुके, खत्म हो गया टॉपिक, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट समझ में आया क्या? व्हाट इज फोटोन? द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। एनर्जी होता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं सी अपॉन में लैम्डा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस नाम ऐसा है कि आपको लगेगा सर ने पढ़ाया नहीं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका ऑब्जर्वेशन किसने लिया था? हर्ज एंड लेनार्ड, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है वो, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन लोगों ने लिया था। ये मत सोचना कि सर ने ये नाम नहीं लिया तो करवाया ही नहीं है। जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा ना उनके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन इन्हीं लोगों ने लिया था। चलिए, अरे इतना ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हमारे भैया आ गए डी ब्रोगली साहब, याद है आपको? तो एक, एक, एक आपको कहानी तो पता ही होगी, सबको बता रखा मैंने। एक कहानी ये है कि दो भाई थे, चुप हो जाओ, दो भाई थे, एक साइंस और एक आर्ट्स के। तो साइंस वाला साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने लैब में, तो आर्ट्स वाले भाई को लगा यार ये बड़ा लैब में घुसा रहता है सुबह शाम पागलों की तरह, क्या ऐसी खास बात है साइंस में? तो उसे देख के इंटरेस्ट जग गया इसका, आर्ट्स वाले का, फिर ये साइंस की फील्ड में घुस गए, और इन्हीं का नाम है डी ब्रोगली, ठीक है। तो डी ब्रोगली इनिशियली आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से थे। देखो आर्ट्स वाले ना एक नया वर्ड निकाल लिया है ह्यूमैनिटीज, क्योंकि आर्ट्स बोलने में उनको थोड़ा ऐसा लगता है क्या बोल रहा हूं मैं, आर्ट्स छी छी छी, तो ह्यूमैनिटीज कूल, अभी टंग को थोड़ा वैसे करके बोलेंगे, ठीक है। पर ठीक है, उन्हें वो समझना चाहिए कि वो अभी वही है, अरे उनकी वजह से देखो कितना कुछ हो रहा है पोले, हाँ वही ठीक है, नहीं वो अपनी जगह ठीक है, हाँ। तो हाँ, जो डी ब्रोगली है वो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, और इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है कि अपने भाई से 100 गुना आगे निकल गए थे। तो जो डी ब्रोगली भाई साहब ने बोला, उनका नाम भी डी ब्रोगली होगा फिर, अब उनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, क्यों? क्योंकि 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 उन्होंने कुछ दिया नहीं ना, ये आर्ट्स वाला है भाई। आप कहां थे जब मैं बता रहा था? सुनो, डी ब्रोगली साहब ने बोला वेवलेंथ जो होता है वो होता है एच प्लैंक कांस्टेंट बाई एमवी, जो बहुत बड़ी बात थी, इसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या कहते हैं, चुप हो जाओ यार प्लीज, वो कहते हैं कि जिसके पास मास और वेलोसिटी होगा उस बंदे के पास वेवलेंथ होगा। यानी वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी भी होता है, तो जब मास और वेलोसिटी जिसके पास भी होगा उसके पास वेवलेंथ होगा। यानी इलेक्ट्रॉन एक मैटर था, मैटर क्या था? मैटर। उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन को, पता क्या बोल दिया? मैटर वेव। यानी उन्होंने दावा किया कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वेवलेंथ कैरी करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वेव है। ये बहुत बड़ी बात थी, तो इसका वेरिफिकेशन हुआ है बाद में, एक्सपेरिमेंट से वेरिफिकेशन भी हुआ है। पहले मेरी बात सुनना, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिस चीज के पास भी मास हो वेलोसिटी हो उसके पास वेवलेंथ होगा। यानी अगर मैं मूव करूं तो मेरे पास वेवलेंथ होगा, पर तुम कहोगे आपका वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल सही बात है। मास ज्यादा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मेरा वेलोसिटी इतना कम है कि मेरा जो वेवलेंथ होगा मेरा, अगेन आई एम सेइंग मेरा वेवलेंथ होगा, देखो अभी मैं मूव कर रहा हूं मेरा वेवलेंथ है, पर इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। रीजन क्या है? जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट जीरो आएगी, मतलब ऐसे आएगी 0.00000001, तो इतना छोटा वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ऐसा पार्टिकल है जिसका मास भी बहुत कम है और दूसरा वेलोसिटी भी उसकी अच्छी खासी होगी, इस वजह से उसका वेवलेंथ क्या होगा? ऑब्जर्व होगा।
यानी ये जो फॉर्मूले है ये वैलिड तो प्रैक्टिकली हर जगह है, पर हाँ लेकिन ज्यादा अच्छे से कहाँ काम करती है, मतलब ऐसे बोलूं तो वैलिड तो हर जगह हो सकता है पर ज्यादा अच्छे से काम करती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन आप देखोगे तो आपको वेव जैसा दिखाते होंगे सुपर हीरोज को, जब वो बहुत तेज भागते हैं तो दे साउंड्स लाइक, या दिखते हमें कैसे है बताओ, वेव की तरह। नहीं समझा मेरी बात को? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हॉलीवुड की मूवीज है उसमें कॉन्सेप्ट पूरा साइंस का लगाते हैं वो लोग, तो उन्होंने यही वेव डी ब्रोगली का बड़ा इस्तेमाल किया है। जब भी किसी को तेज भगाते हैं उनके आसपास वेव एसोसिएट कर देते हैं, वेव की तरह लहरें एसोसिएट कर देते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है, हाँ तो कुल मिला के कहानी ये है। कोई बात नहीं यार, क्या करें, हो गया, मैंने कुछ समझ नहीं आया ना, स्माइलिंग फेस, क्या बात। सो तो कहा चलो, तो आपको क्रिस का वेवलेंथ दिखाई देता है, जब क्रिस भागता है तो लगा अरे भैया वेव है, तो समझ रहे हो, फ्लैश वेव। तो दैट इज व्हाट, अगर आप, अगर मेरे को ही कोई स्पीड ऑफ लाइट से भगा दे, मुझे कोई स्पीड ऑफ लाइट से भगा दे तो कहीं ना कहीं मैं भी लाइट बन जाऊंगा, वेव बन जाऊंगा। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। तो देखिए डी ब्रोगली साहब ने अपनी इक्वेशन में क्या कहा, उन्होंने खुलेआम ये कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड, लुक जाओ डी ब्रोगली साहब कह रहे हैं ऑलवेज, समझ रहे ऑलवेज क्या होता है, हमेशा, देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विथ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। लिख दो आपका मन करे तो, नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास तो नहीं है बेटा, कुछ तो है, हो गया यार। सुनो तो ये हमारे डी ब्रोगली साहब की बातें थी, तो आप प्लीज इस चीज को लिखिए, टॉपिक का नाम रहेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, और ये स्टेटमेंट पास कर रहा हूं मैं यहां से लिखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली मैटर वेव, इसको मैटर वेव भी कहते हैं, मैटर वेव की इक्वेशन, डी ब्रोगली साहब की मैटर वेव की इक्वेशन है ये, मास के पास वेवलेंथ, तो मैटर वेव, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अरे यही लिखना, यहीं से लिखना है भाई। सुनो अब ना हमें डी ब्रोगली की जो मैटर वेव इक्वेशन है उसको जस्टिफाई करना है, मतलब हमें ये जस्टिफाई करना है कि वेवलेंथ होता है एच बाई एम वी, या हमें ये जस्टिफिकेशन देनी है कि वेवलेंथ होता है क्या एच बाई पी, पी मतलब मोमेंटम, देखो पी का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, को इकट्ठे मोमेंटम कहते हैं। हमें जस्टिफिकेशन देनी कि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई, ये जस्टिफिकेशन देना है। तो जस्टिफिकेशन हम कैसे देते हैं, देखो हम कहते हैं, देखो एक प्लैंक नाम के बड़े महान आदमी थे जिन्होंने बोला एच एफ, फिर एक आइंस्टाइन नाम के बड़े महान थे उन्होंने बोला एम सी स्क्वायर, वेयर सी इज स्पीड, फिर हमने कहा ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है, इक्वेट कर दो तो एच इंटू एफ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है सबको पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सी अपॉन में वेवलेंथ, तो ये हो गया एम सी स्क्वायर, लिख दो यहां पर फ्रीक्वेंसी है सी अपॉन में वेवलेंथ। अब बताओ क्या होगा, बताओ सी से एक सी गया तो यहां हो गया एच अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एम सी सी। अब कुछ नहीं करना, यहां एम सी को यहां ले आओ, लैम्डा को वहां ले जाओ, तो एच बाई एम इंटू सी इज इक्वल टू वेवलेंथ, एंड हम जानते हैं सी का मतलब क्या था, स्पीड, तो एच एम वी इज इक्वल टू वेवलेंथ, और एम वी को हम क्या बोलते हैं पी। तो मैटर वेव को हमने जस्टिफाई किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, प्लैंक्स एंड आइंस्टाइन से हमने जस्टिफिकेशन दी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैटर वेव। फटाफट नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते। डेली अच्छा लगता है बेटा, डेयर हो या डियर हो। सो देखो ध्यान दो, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ध्यान दीजिए, लैम्डा एच बाई एम भी होता है पता होना चाहिए, लैम्डा को एच बाई पी बोलते हैं पता होना चाहिए, और ये नया नया कहां से आया ये बताओ, पी की जगह पर ये कहां से आया है, रूट टू एम के वाला, बताओ कैसे हुआ है। देखो कहानी को समझना, हम जानते हैं कि लैम्डा होता है एच बाई एम वी, लैम्डा होता है एच बाई पी, ये सब हम जानते हैं, लेकिन एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर,
अगर हम मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ऊपर जाएगा एम स्क्वायर, नीचे सिर्फ एम, एम ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो एम स्क्वायर नीचे डिवाइड किया ताकि कुछ दिक्कत ना आए, तो ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और आप जानते हो मोमेंटम क्या होता है, एम वी, तो पी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर, तो 1/2 पी स्क्वायर बाई एम, तो 2m आ जाएगा, 2m के इज इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे रूट, तो p को लिख सकते हैं हम क्या बताओ, अंडर रूट 2mk। तो वो कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आते हैं, ये लैम्डा इज इक्वल टू h बाई टू रूट एम के, जहां पर k का मतलब क्या है बताओ, k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज k हियर, तो k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी दोस्तों, ठीक है। और सारा जस्टिफिकेशन दिया हुआ है यहां पे। अब एक बात ध्यान रखना, कई बार टेम्परेचर से रिलेट करेंगे टेम्परेचर, तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बदलने से काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, और जब काइनेटिक बदलेगा तो लैम्डा भी बदलेगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पर एक स्पेशल सुना रहा हूं, रुक जाओ, स्पेशल केस क्या है हम ये जानते हैं, ध्यान दो प्लीज सारे बच्चे, स्पेशल ये है हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं बताओ, ईवी नॉट, जहां वी नॉट का मतलब है पोटेंशियल। अब ध्यान दो, एच की वैल्यू मुझे पता है, मुझे रूट टू की वैल्यू पता है, मुझे रूट एम की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको नहीं पता, सबको पता है, मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, तो एग्जाम में मैं इन वैल्यूज को लिखूंगा फिर सॉल्व करूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके सामने लिख दिया है, सबको रूट टू को, एम को, ई को, एच को मल्टीप्लाई कर दिया तो आता है 12.3 A0, जहां ए नॉट का मतलब क्या होता है 10^-10। तो अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालना हो तो आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू, कितना पोटेंशियल हमने लगाया है बस, वो हमें पता लग जाए तो हम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल लेंगे। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से जस्टिफिकेशन हुआ था डी ब्रोगली वेवलेंथ का, फॉर्मूला सही है कि गलत। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी का काइनेटिक एनर्जी को चार गुना कर देंगे तो वेवलेंथ का क्या होगा, तो आपको के की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 4k, जो कि मैं क्वेश्चन की सीरीज में कराऊंगा बढ़िया से। फिर क्वेश्चन आएगा किसी के मास को हमने 3 गुना कर दिया तो वेवलेंथ का क्या होगा, यहां 3m लिखना, क्या लिखना है 3m। फिर क्वेश्चन आएगा कि एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, दोनों के वेवलेंथ का रेशियो बताओ, तो आपको यहां पर आपको रेशियो लेना है बस, एस से एच कट जाएगा, रूट टू से रूट टू कट जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो के से के कट जाएगा, के से बस रेशियो किसका रहेगा, मास का। फिर नहीं समझे बात को, हाँ तो पी वाई क्यू में आता है बेटा, सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं कराऊंगा, मुझे पता क्या आता है एग्जाम में, बस वेट करना। क्वेश्चन ऐसा आएगा, सुनो कि ऐसा आएगा, चुप हो जाओ, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमारे पास ना एक पार्टिकल है जिसका मास है एम और उसकी काइनेटिक एनर्जी है के, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है 2m और काइनेटिक एनर्जी है उसकी मान लो 5k, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ। तो आप बोलोगे देखो भैया इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच बाई 2mk, और लैम्डा 2 क्या होगा बताओ, एच बाई रूट 2, एम की जगह पर कितना 2m, k की जगह पर 5k, आपको यही समझना है। और रेशियो लोगे तो क्या होगा, एस से एच जाएगा, रूट टू से रूट टू जाएगा, एम से एम जाएगा, के से, तो क्या बचा, यहां बचा 1/1, देखो क्या आंसर आया, यहां बचा है 1/1 और यहां बचा है 1/√10, तो आंसर हो जाएगा √10:1, ये उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं कराऊंगा क्वेश्चन बाद में, अभी मेरा टारगेट है कि थ्योरेटिकली चैप्टर सारे चैप्टर को कवर करें, फिर क्वेश्चन की हम सीरीज लगाए, एक कॉन्फिडेंस आएगा ना चैप्टर सिलेबस खत्म होने का, तो वही मैं चाहता हूँ फिलहाल के लिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन तो हमेशा साथ में कराता ही हूँ। सो दिस इज व्हाट, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक का जो ऑब्जर्वेशन है लेनार्ड और किसने लिया था, हर्ज ने, वो एक लाइन थी मुझे बतानी थी, तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा खत्म होता है। आप ये नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ सो भगवान आपका भला करे, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।